بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم ماہ مبارک رمضان کی بے حد اہم شبیں ہیں، شبہائے قدر کا سلسلہ ہے، اور یہ سلسلہ توام ہے ذکر مبارک علی ابن ابی طالب کے ساتھ. کل شب میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کا مطالعہ اگر فقہی نقطہ نظر سے کیا جائے، یعنی یہ دیکھا جائے کہ قرآن مجید میں اوامر اور نواہی کتنے ہیں، پروردگار عالم نے کن کن چیزوں کا حکم دیا ہے، ہر وہ چیز جس کا حکم دیا ہے پروردگار نے وہ امر ہے، جس سے منع کیا ہے وہ نہیں ہے، اور یہ بحث بھی فقہا کے درمیان موجود ہے کہ قرآن مجید میں کل آیات احکام کتنے ہیں، یعنی یوں تو قرآن مجید میں آیتوں کی تعداد 6000 سے زائد ہے، مشہور یہ ہے کہ 6666 آیت ہیں، لیکن ان آیتوں میں خاص طور پر احکام سے متعلق آیتیں کتنی ہیں. کچھ حضرات کہتے ہیں کہ احکام سے متعلق آیتیں تقریباً 500 آیتیں، کچھ اس سے کم کے بھی قائل ہیں، 300 اور 200 اور 150 کے قریب آیتوں کو کہتے ہیں یہ احکام سے متعلق. لیکن ایک نظریہ یہ بھی ہے، اور یہ فقیر بھی اس نظریے کا حامل ہے، قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں ہے ایسی جس سے ہم احکام کا استفادہ نہ کر سکتے ہیں. شرط تفقہ ہے، شرط ہے تفقہ، شرط ہے کلام مولا کو کس ذوق سے سنتے ہیں.
मालिक के कलाम को किस नुक्ते नजर से पढ़ते हैं। यानी क्या यही शौक है कि मालिक कहे ये करो तब करेंगे? अगर मालिक कहे क्या अच्छा होता कि तुम ऐसे होते, तो हुक्म तो नहीं है इसमें, मगर एक वफादार बंदे का क्या फरीदा है। अगर आका ने कह दिया क्या अच्छा होता कि तुम ऐसे होते, तो ये तो नहीं कहा तुम ऐसे हो जाओ, मगर ये अंदाज उससे बढ़कर है। ये हुस्न तलब, अब याद रखिएगा एक जुमला इस फकीर का, तलब से ज्यादा वजन हुस्न तलब का होता है। लेकिन ये नुक्ता उन्हीं पे रोशन होता है जिनकी तबीयतें शाइस्ता होती हैं। तलब से कहीं ज्यादा वजन हुस्न तलब का होता है। तो बहरहाल ये तो एक बहस थी जिसे मैंने मुख्तसरन आपके सामने अर्ज कर दिया कि कुरान मजीद को अगर फिकही नुक्ते नजर से मुतालआ किया जाए और ये देखा जाए कि अवामिर कितने हैं, कहाँ कहाँ इफ़अल का सेगा है, कहाँ कहाँ सेगा अम्र है और कहाँ कहाँ नहीं है ला तफ़अल, तो फिर सबसे पहले जो आयत उभर के सामने आती है तरतीबवार वो ये आयत है। और ये पहली होने के बावजूद ऐसी जामिअ है कि तमाम अवामिर और तमाम नवाही इसके दामन में सिमट आए, क्योंकि कुल्ली हुक्म है। या अय्युहन्नास, ऐ इंसानो, उबुदू रब्बकुम, अपने पालने वाले की बंदगी करो, अपने रब की बंदगी करो, उस रब की जिसने तुम्हें पैदा किया है और तुमसे पहले जो नस्लें गुजर गई उनका भी पैदा करने वाला वही है। बंदगी करो उसकी किस लिए? अब कल मैं तर्जमा कर चुका हूं, किस लिए ये तमाम अवामिर किस लिए हैं? मगर वो मोहताज है रब्बे अकबर, रब्बे करीम, खालिक़े मन्नान, उसके खजाने में किसी चीज की कमी है, किसी लिहाज से वो हमारे किसी भी काम का मोहताज है, उसकी अजमत ऐसी अजमत है जो हमारे एतराफ़े अजमत से बेनियाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि वो बड़ा है और हमारे अल्लाह अकबर कहने का भी मुतमन्नी या मोहताज नहीं है। उसकी बड़ाई इससे कहीं ज्यादा बरतर है कि वो हमारे एतराफ की नियाजमंद हो। हम अल्लाह अकबर कहें या ना कहें, वो अकबर है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहें या ना कहें, वो अल्लाह है और कोई इलाह उसके मुकाबले में है नहीं। फिर वही बात जो बहुत पहले मैंने अर्ज की थी कि उसका दामने तौहीद और दामने किबरियाई इतना बुलंद है कि शिर्क की गर्द उस तक पहुंच नहीं सकती। मुमकिन नहीं है कि उसका शरीक कोई बन सके। फिर
आखिर ये तमाम अवामिर किस लिए? जवाब सिर्फ एक है, उस पर गौर करें अजीजाने गिरामी, बुजुर्गाने मोहतरम, जवानाने अजीज, मर्द, औरतें, बच्चे गौर करें, सुन के फरामोश ना कर दें। जो भी हुक्म इलाही है वो हमारे और आपके फायदे के लिए। जितने नवाही हैं वो हमें किसी ना किसी हलाकत से बचाने के लिए। किन चीजों से मना किया है मगर अल्लाह ने? आप बताइए, किसी अच्छी चीज से मना किया है? गौर तो कीजिए, किसी अच्छी चीज से मना किया है? किसी मुफीद चीज से मना किया है जिसे आप समझते हो ये फायदा मंद है, उससे मना किया है? किसी मुफीद शय, किसी लजीज शय से भी मना क्या नहीं किया है? ये जुमला भी पहले अर्ज कर चुका हूं, फिर अर्ज कर रहा हूं कि खुदा की कसम कोई भी लज्जत जिंदगी ऐसी नहीं है जिससे परवरदिगार ने महरूम किया हो, मगर यह कि हर लज्जत को हासिल करने के आदाब और शराइत मुकर्रर हैं। उसने जिंदगी का नाम आयश है, आयश, उसने आयश के लिए पैदा किया है, जिंदगी के लिए पैदा किया। ये तमाम वाजिबात, ये तमाम अवामिर, ये तमाम अहकाम, ये तमाम नवाही सिर्फ इसलिए हैं ताकि आपका आयश मुकद्दर ना हो जाए। खुद जिंदगी मुकद्दर ना हो जाए, वरना वो आपके किसी भी अमल का मोहताज नहीं है, ना नमाज का ना रोजे का। तो जब किसी चीज का मोहताज नहीं और हर चीज हमारे नफे और हमारे फायदे के लिए है, तो इसके मानी है कि लअल्लकुम तत्तकून का फिर यही तर्जमा होगा कि बंदगी करो रब की ताकि फना होने से बच जाओ, फना से बच जाओ। देखिए, मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूं, शरीयत की बात नहीं कर रहा हूं, तक्वे की बात नहीं कर रहा हूं। हमने दुनिया में बहुत से ऐसे लोग देखे, मैं अर्ज कर रहा हूं चूंकि मैं गोशानशी रहता हूं लेकिन सियाहत भी करता हूं, मैंने लोगों को देखा है, उनसे सवालात किए हैं। नस्तजीरु बिल्लाह, मैं एक मिसाल ऐसी दे रहा हूं जो इस वक्त देने का के लिए मेरा ज़ौक खुद आमादा नहीं है, लेकिन बात समझाने के लिए बहुत से ऐसे मिले हैं, खुदा पर यकीन नहीं रखते, आखिरत पे यकीन नहीं रखते, मगर शराब नहीं पीते। मैंने पूछा, आप क्यों शराब नहीं पीते? कहा, ऐसी चीज पीने से क्या फायदा जो अकल को माफ कर दे, ये भी कोई पीने की चीज है। एक शख्स जो खुदा का कायल नहीं है, आखिरत का कायल नहीं है, अगर वो शराब नहीं पीता तो हैफ है अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा शख्स हो, है। ये मैंने मिसाल इसीलिए दी कि कोई लजीज शय या कोई मुफीद शय ऐसी नहीं है जिससे अल्लाह ने मना किया हो, ये चीज मुफीद नहीं है। ये चीज मुफीद नहीं है, ऐसी चीज इस्तेमाल करना जिससे अक्ल इंसानी यानी जिससे इंसान का शरफ वाबस्ता है, जिससे इंसान की डिग्निटी वाबस्ता है, जिससे इंसान की पहचान वाबस्ता है, वही चीज जायल हो जाए और इंसान जिंदगी का तवाजुन खो दे, रिश्तों की, कदरों की, फराइज की, किसी चीज की फिर जिंदगी में कोई अहमियत ना रह जाए। ये एक मिसाल है कि अगर किसी चीज से मना किया है तो इसलिए ताकि हम हलाकत से महफूज रहें, और किसी चीज का हुक्म दिया है तो इसलिए कि हम बका से करीब हो जाएं।
तो जितने भी अवामिर हैं वो अपनी जगह, हर हुक्म खुदा अगर आप तक पहुंच गया है कि ये हुक्म खुदा है तो उसे सुबुक ना गर्दानिएगा, हल्का ना समझिएगा। अगर ये साबित हो जाए ये हुक्म खुदा है तो फिर हुक्म खुदा है और उसमें उसकी कोई गरज वाबस्ता नहीं है, ये जान लीजिए कि आपका फायदा है उसमें। अब ये जितने भी अवामिर हैं मैंने अर्ज किया वो सब सिमट के एक कलेमे में आ जाते हैं, उबुदू इबादत करो। उबुदू के मानी क्या है? डिक्शनरी मीनिंग वही जिसे कहते हैं इस्तिंबात, कुरे दिए खुरचिए खाक उड़ाइए, देखिए जमीन की तह में कैसा आब जुलाल है, कैसा आब शीरी है। उबुदू का लुगवी हकीकत और शरई इस्तिलाह दोनों से करीब रहते हुए अगर कोई तर्जमा किया जा सकता है तो वो ये इस मकाम पर कि ऐ इंसानों अपने आप को रिजाए रब के सांचे में ढाल दो। मशीयत हक के सांचे में ढाल दो। ढलना है, खुद ढलना है। और किस सांचे में ढलना है? मशीयत हक रिजाए रब। और जब जिंदगी ढलनी है पूरी तो इसके मानी है कि जिंदगी के तमाम शोन, जिंदगी के हर हर शोबे पर यह हुक्म मुहित है। जागने सोने से लेकर और जिंदगी के तमाम मशगूलियात तक हर काम मशीयत हक के मुताबिक हो। ये बात है मुश्किल बज़ाहिर मगर इतनी मुश्किल नहीं है अजीजों। बस एक जुमला कहूंगा, इस जुमले में बहुत सी बहसें सिमटी हुई हैं। अगर इंसान हैवानियत से खुद को बुलंद रखने का आजम कर ले और ये तय कर ले कि हमें इंसान बने रहना है, बस फिर बहुत आसान है। और हमारे आप में क्या अर्ज कर रहा हूं, और ये तय कर लीजिए कि हैवानात में और आप में क्या क्या चीजें मुश्तरक हैं। जो चीजें मुश्तरक हैं हैवान में और आप में, बस ये ख्याल रखिएगा कि उसकी तरफ ज्यादा मुतवज्जे ना हो जाएं आप। खाना आप भी खाते हैं, हैवान भी खाता है, तो खाना तक हैवानी तलब है वजूद इंसानी की। खाना वजूद इंसानी की हैवानी तलब है। और उसी पे कयास कर लें कि जितनी किस्म की भूख है आपके जिस्म में, जो शहवतें हैं हमारे आपके जिस्म में, ये सब हैवानी हैं, इसलिए इनको बस उसी हद तक पूरा करना है जिस हद तक इस वजूद के इंसानी वकार को ठेस ना पहुंचे। जितनी सी बात है, खाते हैवान भी हैं, खाते हम आप भी हैं, मगर हमारे आपके खाने का तरीका और हैवान के खाने का तरीका। हैवान को जब भूख लगती है, अगर दरिंदा है, आप जानते ही हैं, ये तो जुमला पुराना हो गया ना हमारा, हैवान दरिंदा होता है, ये इंसान है जिसकी शरफ, जिसकी सिफत है शुजात। शेर शुजा नहीं होता, ये बहुत बार अर्ज कर चुका हूं। शेर ये अरबी अदब में हो या उर्दू अदब में, दुनिया भर के अदब में ये मिसाल बार बार
दी जाती है, जैदुन कल असद, जैदुन कल असद, जैदुन कल असद, जैद असद जैसा है शुजात में, न शेर में शुजात पाई जाती है और न जैद शेर जैसा है शुजात में। ये निहायत नाकिस और कुंद मिसाल है। वक्त नहीं है कि मैं इन चीजों की तफसील अर्ज करूं, लेकिन बहरहाल हैवान अगर दरिंदा है और उसे भूख लगती है तो वो ये सामने जो आता है उसे खा लेता है, भूख मिटा लेता है। ये इंसान है। अभी भी मैं शरीयत और दीन का हवाला दिए बगैर कह रहा हूं, ये इंसान है। अगर वो सिर्फ इंसानी शराफत और अजमत और करामत का भी लिहाज करे तो कितनी ही भूख लगी हो खाने से पहले देखता है ये लुकमा मेरे लायक है या नहीं। ये लुकमा मेरे खाने के लायक है या नहीं, इसलिए कि मैं इंसान हूं। बस यही कयास करें जिंदगी के हर शोबे में। अगर यह तय कर लें कि हमें हैवानियत की सतह से बुलंद रहना है और हमें इंसान बने रहना है तो बस ये मरहला आसान हो जाएगा। असल चीज है आज़म। एक मरतबा अगर दिल में आज़म रासिख हो गया, एक मरतबा आपने डिसाइड कर लिया, कमिटमेंट हो गया, फैसला हो गया, तो फिर सफर का जारी रखना बहुत आसान होता है। और परवरदिगार आलम ने आपको फितरत अता फरमाई है, जिस फितरत में, जिस किताब फितरत में तमाम मशीयत हक पहले से मुंदरज है। फितरत में जो रजाए हक है ना वो लिखी हुई है। जिब्राइल आके कहें कि सच बोलना अच्छा है, झूठ बोलना बुरा है, ये जरूरी नहीं है। इंसान फितरी तौर पर जानता है कि सच बोलना अच्छा है, इंसान फितरी तौर पर जानता है कि झूठ बोलना बुरा है। नहीं क्या करूं, बहस की जरूरत होती है कि जुमले कहूं और वक्त जो है वो तेजी से गुजरता चला जाता है। तो मशीयत हक फितरत इंसानी में मौजूद है, रजाए हक फितरत इंसानी पहले से उससे बाखबर है। और अक्ल जहां फितरत की तहरीर धुंधली होती है वहां अक्ल चराग लेके खड़ी हो जाती है। अक्ल चराग है, उसके बाद लुत्फ हक कुछ और भी है। लुत्फ हक ये है कि उसने इस इंसान के लिए किस तरह अपने वजूद को और अपनी पूरी जिंदगी को मशीयत हक के सांचे में ढालें, इस अमल को, इस कैफियत को समझाने के लिए सिर्फ अल्फाज नहीं नाजिल किए, ऐसे वजूदात भी लुत्फ हक से नाजिल किए हैं जिन्हें देखकर, जिनकी बातें सुनकर, जिनकी जिंदगी का मुताला करके अंदाजा होता है कि किस तरीके से मशीयत हक के सांचे में ढाला जाता है। आवाज़े बदन वही वजूदात हमारी फिकही और कलामी इस्तिलाह में मासूम कहलाते हैं। कुछ नबी हैं, कुछ रसूल हैं, कुछ अइम्मे दीन हैं और ये सब मासूम हैं। मासूम होने का तसव्वुर बहुत से लोग कबूल नहीं कर पाते। अभी तक की जो बहस थी आपने महसूस किया कि इसमें कोई मुश्किल समझ में नहीं आई। अगर इंसान ये तय कर ले कि हमें हैवानियत की सतह से बुलंद रखना है, हमें इंसान बने रहना है, तो किस कदर पुर अजमत और पुर शिकोह उसकी जिंदगी हो सकती है। यही एक आजम काफी है कि इंसान उस बुलंदी तक पहुंच जाए कि जहां उससे कोई खता सरजद ना हो। होश
आकल इरादा इंसान से देखिए गलती वही होती है जहां उसके इरादे में कमजोरी आ जाए। यहां कमजोरी आई आप में, हमेशा आप अपना हर एक अपना अपना तजिया कर ले, जहां इरादे में कमजोरी आई गलती सरजद हुई, जहां इरादा मुस्तहकम है, आकल रोशन है, कल्ब बेदार है, वहां गलती नहीं होगी आपसे। बस मासूम उसे कहते हैं कि हम और आप सोते हैं, मासूम कभी सोता नहीं। हम हैदरी हम और आप गाफिल हो जाते हैं, मासूम गाफिल नहीं होता। और इसीलिए पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, आपने अपने अस्हाब से फरमाया है कि देखो तुम सोते हो तो तुम्हारी आंखें ही बंद नहीं होती, तुम दुनिया से गाफिल भी हो जाते हो, मगर मैं जब सोता हूं तो आंखें बंद होती हैं, मगर मैं बाखबर रहता हूं। और तुम आगे जिस तरह देखते हो मैं भी आगे उसी तरह देखता हूं, मगर पीछे देखने के लिए मुझे पलट के देखने की जरूरत नहीं है। तुम जिस तरह आगे देखते हो मैं उसी तरह आगे भी देखता हूं, उसी तरह पीछे भी देखता हूं। तो मासूम के वजूद में कुछ खसूसियतें हैं, और ये मासूम जब जिंदगी बसर करता है तो वो जिंदगी हमारे और आपके लिए हर एतबार से नमूना है, हर एतबार से नमूना है। बस वो अफराद जिनकी जिंदगी हर एतबार से हक के सांचे में ढली हुई हो, अगर उनके लिए ये कहा जाए, जरा ठहरिएगा एक जुमला और अर्ज कर लूं, हदीस में किसी भी मसलक का वाइज हो वो ये हदीसें पढ़ के सुनाता होगा कि माँ बाप का चेहरा देखना भी इबादत है, माँ बाप के सामने बेटे का मुस्कुराना भी इबादत है, किसी बच्चे के सर पे हाथ रखना मोहब्बत और शफकत से वो भी इबादत है, अपने बच्चे को प्यार करना भी इबादत है, उसका सवाब है, और अगर कोई यतीम बच्चा है तो उसके सर पे हाथ रखना सवाब है। और हमारे यहां और एक जुमला यहीं ब्रैकेट में अर्ज कर दूं कि अपने बच्चे को प्यार करना सवाब है अगर सामने कोई यतीम ना हो, और अगर कोई यतीम मौजूद हो तो उसके सामने अपने बच्चे को प्यार ना करना भी सवाब है। तवज्जो फरमा रहे हैं, यह है जिंदगी की लताफतें, यह है जिंदगी की जराफतें, यह है जिंदगी की नजाकतें। जब ये सब सवाब है तो जिन्होंने इन सवाब की शनाख्त कराई और जिन्होंने इस पे अमल करके दिखाया, उनके लिए अगर रसूल कहें अन्नबरो इला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादा, अली इब्न अबी तालिब के चेहरे मुबारक की तरफ नजर करना भी इबादत है। लोग समझते हैं कि ये मुबालिग हैं, ये अली के शियों ने इस तरह की हदीसें गढ़ ली हैं, गढ़ ली नहीं, ये हदीस मौजूद न होती तब भी फितरत इंसानी गवाही देती कि अली का रूहे मुबारक वो है जिस पे नजर करना इबादत है। अली की शनाख्त नहीं है लोगों को, बस वक्त गुजर गया। वक्त गुजर गया, अब कुछ अर्ज करूं ना, अगर बगैर तमहीद के अर्ज करूं तो बाद में वो वजाहत पैदा नहीं होती। दुनिया आज तक 1400 बरस गुजर चुके हैं लेकिन आज तक दुनिया अली इब्न अबी तालिब को पहचान नहीं सकी, अपने नहीं पहचान सके। मैं इस मेंबर पे खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, बहुत सी रिवायतें ऐसी हैं जो मैं नहीं पढ़ता ये समझ कर के लोगों में तहम्मुल नहीं है। अली का मर्तबा बहुत बुलंद है,
लोग इस बात पर ताज्जुब करते हैं कि रोजे हाशर किसी की नजात होगी तो मेयार नजात ये होगा कि अली से मोहब्बत रखता था या नहीं। अब अगर मैं ये अर्ज कर दूं तो उनका क्या हाल होगा कि नजात तो फर है अमल की, अमल फर है तबलीग की, तबलीग फर है नबुवत और रिसालत की। पैगंबर से पहले जितने नबी हैं अगर उन्हें नबुवत मिली है तो बशर्त विलायत अली इब्न अबी तालिब। आगे बगन विलायत अली आदम चीज नो इब्राहिम मूसा ईसा जितने पैगंबर बिला इस्तिस्ना जितने पैगंबर है सबको नबुवत मिली इस शर्त पर कि वो विलायत अली इब्न अबी तालिब का भी इकरार करें। और ये रिवायत किसी शिया मुफस्सिर के हवाले से नहीं अर्ज कर रहा, मुफस्सिर थालबी ने भी अपनी तफसीर में लिखा है कि जब पैगंबर मेराज पर तशरीफ ले गए और चौथे आसमान पर पहुंचे हैं तो परवरदिगार आलम ने एक मरतबा फरमाया कि ए पैगंबर आप जब चौथे आसमान से गुजरेंगे तो तमाम अंबिया आपको सलाम करेंगे और तमाम अंबिया को हुक्म दिया कि सब जमा हों और हमारे हबीब का इस्तकबाल करें। तमाम नबियों ने सलाम किया, जब सब सलाम कर चुके तो परवरदिगार ने कहा ए मुस्तफ़ा ए मेरे हबीब इनसे ठहर कर ये पूछ लीजिए कि इनको नबूवत किस शर्त पर अता हुई है। वहां की गुफ्तगू है नबुवत किस शर्त पर अता हुई है। विलायत अब समझ आई किस कदर अजीम है, विलायत अली इब्न अबी तालिब। आम मुसलमान बेचारा नहीं समझता, मैं क्या अर्ज करूं, कुरान ही नहीं पढ़ता, कुरान के बुतों में गौर नहीं करता। और जो इस कुरान सामित को नहीं समझ सकता वो कुरान नातिक को क्या समझेगा। सादा सी बात है, जब शर्त विलायत अली की अंबिया के सामने हो तो हमारी और आपकी नजात में कैसी शर्त होगी विलायत की। लेकिन आज की जो शब है ये शब तसव्वुर कीजिए कि सन 40 हिजरे में कूफे में क्या कोहराम बरपा था इस शब में। और उस वक्त भी अली के फजाइल पढ़ूं तो क्रिया करने का जी चाहता है, अली के मसाइब पढ़ूं तो क्रिया करने का जी चाहता है। आप समझते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शहादत कैसा अजीम सानहा था, आप समझ सकते हैं इसे। फिर अर्ज करूंगा, बहुत से मुफस्सरीन अहले सुन्नत ने यह लिखा है जब अली के सर मुबारक पे ज़रबत लगी है उसके बाद बैतुल मुकद्दस में कोई पत्थर नहीं था जो उठाया जाए और जमीन से ताजा लहू जोश मार के लाए। आसमान से लहू की बारिश हुई है, जमीन से ताजा लहू फूट फूट के निकला है। इस तरह पूरी कायनात ने अली की शहादत का सोग मनाया है। बड़ी महरूमी होगी अगर हम मुसलमान होने के बावजूद
अली की शबे शहादत फर्शे आजा ना बिछाएं। बड़ी शकावत की बात होगी कि हम कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बावजूद अली जैसे वलीउल्लाह की शहादत में मातम ना करें, गिरिया ना करें, उनका जिक्र शहादत ना करें। अली के जिक्र फजाइल हो या जिक्र मसाइब, हर जगह इल्म के दरीचे खुलते हैं। फर्क़े मुबारक अमीरुल मोमिनीन पे जब ज़रबत लगी है, सर शिगाफ्ता हुआ, तो आपने फौरन सर उठाया, फिर जमीन पे रखा, का परवरदिगार गवाह है ना कि मेरा सर तेरे सजदे में शिगाफ्ता हुआ है। फिर कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी, मस्जिद की खाक उठा उठा के अपने जख्म में भरते जाते थे और फरमाते थे मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इसी खाक से हमने तुम्हें पैदा किया है, इसी में तुम्हें पलटाएंगे और फिर इसी से हम तुम्हें दोबारा उठाएंगे। किसी का सर जख्मी हो, इर्द गिर्द लोग मौजूद हो, कातिल भी मौजूद हो, और कोई इस तरह आयत कुरानी तिलावत कर रहा हो जैसे कि उस वक्त भी दर्स दे रहा है जिंदगी का और हयात का और कायनात का। अली दर्स दे रहे हैं आखिरत का जख्मी होकर। उसके बाद आवाज बुलंद की है जिसे ये गुंबदे बेदर कभी भुला नहीं सकता, फरमाया है फुज़तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। बस आज दो फकरे और कहकर गुफ्तगू रोक रहा हूँ, इंशाल्लाह कल ततिम्मा गुफ्तगू अर्ज करूंगा। रिवायतें हैं, आप सुनते रहते हैं बराबर, कि जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इमाम हसन ने और मौजूद हजरात ने एक गली में उसी सज्जादे में जिस सज्जादे पे आप नमाज पढ़ते थे उसमें उठाया और मेहराब मस्जिद से बैतुश्शरफ की तरफ लेकर चले। क्या मंजर है, कयामत का मंजर है। ये दुनिया है, ये जिंदगी है। वो अली जो अपनी दो उंगलियों से बाब खैबर उखाड़ कर दूर फेंक देता हो, लेकिन अब ये मर्जी है, ये मर्जी हक है, ये मशीयत हक है। उसका सर मुबारक शगाफ्ता है और उसे लोग उठा कर बैतुश्शरफ की तरफ ले जा रहे हैं। और जब घर करीब आया है तो एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन ने बेटों से कहा, बेटा अब जो लोग असहाब साथ में हैं इनसे कह दो वापस चले जाएं, कल आएंगे, इसलिए कि घर से ज़ैनब उम्मे कुलसूम के रोने की सदाएं आ रही हों। असहाब बावफाएं, असहाब जाने सारे, असहाब अली के कदर शनास असहाब साथ छोड़कर जाना नहीं चाहते, तो जब घर जरा करीब और आ गया तो फिर पलट के खुद कहा असहाब से, क्या हमने तुमसे कहा नहीं, अब इस वक्त चले जाओ, कल आना। ज़ैनब बिलक बिलक के रो रही होगी, उम्मे कुलसूम गिरिया कर रही होगी, क्या तुमसे फातिमा की बेटियों के गिरिया की सदाएं सुनी जाएंगी। अजरकुम अलल्लाह, अजरकुम अलल्लाह, अजरकुम अलल्लाह। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे आले मोहम्मद के। जनाब अमीरुल मोमिनीन घर पहुंचे हैं और उसके बाद अभी पूरे कूफे में, पूरे कूफे में एक कोहराम बपा है। कोई आराम से नहीं है, कोई चैन से नहीं है, ये दो तीन रातें कोई सोया नहीं है कूफे में। मातम हैदर करार बपा है और अमीरुल मोमिनीन की शान ये घर में
मुसलसल वसीयतों का सिलसिला जारी है। इन्हीं वसीयतों के दरमियान अल्लाह अकबर, याद रखिएगा ये फकरा भी, एक नई न जाने कितनी किताबों में ये मौजूद है। इन वसीयतों के दरमियान सारे मुबारक शिकाफता है। तबीब ये कह चुका है कि आका जो वसीयतें करनी हो कर दें, इसलिए कि ये जख्मकारी है, ये जहर जानलेवा जहर है। उसके बावजूद लुत्फ हिदायत और रहबरी ये है, जब हजरत के चाहने वाले आते हैं तो आप फरमाते हैं सलूनी सलूनी कबला तफ्तदूनी, जो मुझसे पूछना चाहो पूछो कबल इसके कि मैं तुम्हारे दरमियान ना रहूं। और उस हाल में भी लोगों ने सवाल किया है और आपने जवाब दिए हैं, ये है अली। लेकिन बस अली ने तमाम वसीयतें फरमाई, तकवा की वसीयतें फरमाई, तकवा के आदाब सिखाए। ये दो रातें अली ने क्या क्या कुछ बयान किया है, लेकिन जो घर वालों से कुछ खास वसीयतें हैं वो वसीयतें हमें किस्तों में तारीख में सामने आई हैं। जाते जाते दुनिया से अली ने जैनब से क्या वसीयतें की, जाते जाते अली ने अब्बास से क्या वसीयतें की, जाते जाते अली ने हुसैन से क्या वसीयतें की, जाते जाते अली ने हसन से क्या वसीयतें की, ये बातें बहुत बाद में सामने आई हैं। जब जनाबे जैनब ने कर्बला में अब्बास को रुखसत किया है, कुछ वसीयतें उस वक्त सामने आई हैं, कुछ वसीयतें उस वक्त सामने आई हैं जब जनाबे ज़ैनब दरबारे शाम में दाखिल हो रही हैं, कुछ वसीयतें उस वक्त सामने आई हैं जब जनाबे ज़ैनब कर्बला से कूफे वापस आई हैं असीर। कब कब अली की वसीयतें सामने आई हैं। बस एक फकरा जिक्र करके गुफ्तगू खत्म कर दूं, वो फकरा जो ज़ैनब ने अब्बास से कहा था, जब अब्बास रुखसत हो रहे थे जनाबे अब्बास के शाने पे एक मर्तबा बोसा दिया बहन ने, अब्बास ने गौर से देखा और उसके बाद कहा बहन इजाजत दीजिए मैं भी आपके शाने को बोसा। अली बता चुके थे अब्बास को बेटा तू शहीद होगा, तेरी शहादत के बाद बहन ज़ैनब के बाजुओं में रसद बांधी जाएगी। ज़ैनब को बता चुके थे बेटी ये भाई जिस पे तुझे नाज है कर्बला में शहीद हो जाएगा, बेटी सब्र करना। याली मौला, याली मौला।